पर की तो बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर किसान भवन में आग लग गई है। तो फिलहाल इस आग की सूचना दमकल को दे दी गई है। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बीकानेर का मामला, जहां पर किसान भवन में अचानक आग लग गई है। आग के पीछे का कारण क्या है, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस वजह से आग लगी है और फिलहाल किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं आग को बुझाने के लिए? आग के कारणों की तो पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। किसान भवन की घटना है, सूचना पर दो दमकल मौके पर पहुंच चुकी हैं। काफी हद तक आग पर काबू पाया गया है जी। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे में कोई नहीं है, इसलिए कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई है, किसी तरह का कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया है। लेकिन आप आग की लपटों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग काफी भीषण है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं लक्ष्मण कि उस दौरान उस कमरे में वहां पर कोई नहीं था, क्या कुछ दस्तावेज उस कमरे में हो सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज हम कह सकते हैं कि वो जल गए होंगे, वो खाक हो गए होंगे? ये किसान भवन की जो कमरे हैं दरअसल ये विश्राम के लिए होते हैं, जो किसान आते हैं उनके लिए ठहरने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा, फर्नीचर वगैरह ही होगा। लेकिन अभी आग कितनी और फैलती है, क्या होता है, वो देखने की बात है। फिलहाल जो है काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए।